तो गाइस क्या आप भी वेट कर रहे हो नेक्सॉन 2023 के फेसबुक वर्जन का? आप जानना चाहते हो इसके बारे में सारी डिटेल्स, देन वेलकम टू द रियल कारपैक्स, बिकॉज आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नेक्सॉन की सारी डिटेल्स, जैसे कि इसके एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से फीचर्स इस कार में ऐड किए गए हैं, इसके एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकती है एंड कंपनी इसको कब लॉन्च करने जा रही है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए बनाते हैं। So guys, अगर मैं नेक्सॉन की बात करूं, नेक्सॉन को फर्स्ट टाइम कंपनी ने 2017 में लॉन्च किया था एंड उसके बाद से ही कंपनी कुछ कुछ सालों में इसके फेसलिफ्ट वर्जन लेके आती रहती है। सो अब वेट हो रहा है 2023 के फेसलिफ्ट वर्जन का एंड ये फेसलिफ्ट वर्जन बाकी फेसलिफ्ट्स की तरह नहीं है। इस फेसलिफ्ट में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के मिलेंगे, ना सिर्फ एक्सटीरियर से, ना सिर्फ इंटीरियर से, बल्कि इसमें आपको फीचर वाइज भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज नेक्सॉन एज वी ऑल नो टाटा का एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है एंड टाटा की टॉप सेलिंग कार है नेक्सॉन। एंड जिस तरह से मार्केट में आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है, टाटा कभी नहीं चाहेंगे कि नेक्सॉन बाकी कंपटीशन से पीछे रह जाए। तो इस अपडेट में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं उन्हीं चेंजेस की जो हमने इस कार में स्पॉट किए हैं। सो अगर मैं फर्स्ट चेंज की बात करूं तो स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। अभी करंटली नेक्सॉन टू इंजन ऑप्शन के साथ आती है। एक आता है इसका 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 118 bhp की पावर और 170 nm का टॉर्क। वहीं दूसरा इंजन ऑप्शन जो इसमें आता है वो आता है 1.5 लीटर का डीजल ऑप्शन जो कि प्रोड्यूस करता है 113 nm की पावर एंड 260 nm का टॉर्क। अभी ये कार मैनुअल और AMT वर्जन के साथ आती है, बट हो सकता है कि 2023 फेसलिफ्ट में आपको इसका DCA और फुली ऑटोमेटिक वर्जन भी देखने को मिले, बिकॉज हमने इस कार में स्पॉट किए हैं पैडल शिफ्टर एंड वी आर प्रीटी मच श्योर कि इस कार में अब आपको DCA और फुली ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिलने वाला है। सेकेंड चेंज जो हमने इस कार में नोटिस किया है वो है इसमें एडास फीचर, बिकॉज इसकी जितनी भी स्पाई में जा रही है उसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि वो जो एडास यूनिट, जो रडार यूनिट लगी होती है उसको क्लियरली आप स्पॉट कर सकते हो। तो हो सकता है कि इस कार में एडास फीचर भी अब आपको देखने के लिए मिले, बिकॉज कई कंपनीज अपने 10-20 lakh के बजट में एडास फीचर लेके आ रही है, बट टाटा किस लेवल का एडास इसमें देगी अभी तक ये क्लियरली मेंशन नहीं है। लेवल 2 आएगा या जो भी लेवल आएगा अभी तक वो क्लियर मेंशन नहीं है, बट हो सकता है कि आपको 2023 नेक्सॉन फेसलिफ्ट में एडास भी देखे। सो अब बात करते हैं अपने थर्ड चेंज की। हमने जितने भी स्पाई इमेजेस देखी है उसमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि इस कार में अब न्यूली डिजाइन अलॉय व्हील आने वाले हैं। तो जो अलॉय व्हील पहले आ रहे थे अब वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे नेक्सॉन से एंड अब बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल न्यू लुक के अलॉय देखने को मिलेंगे आपको इस कार में, जो कि काफ़ी अच्छे से लग रहे थे। स्पाई इमेजेस की हमने देखी उसमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये अलॉय व्हील्स। तो अब आपको नेक्सॉन फेसलिफ्ट में बिल्कुल चेंज अलॉय व्हील का सेटअप देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट चेंज की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली कई लोगों को नेक्सॉन की रियर प्रोफाइल से काफ़ी कंप्लेंट रहती थी, लोगों को इसका रियर प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं लगता था। तो इस बार फाइनली कंपनी ने इसके रियर प्रोफाइल में वर्क किया है एंड अभी जितने भी स्पाई शॉट्स हमने देखे हैं उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि अब इस बार नेक्सॉन का रियर प्रोफाइल टोटली चेंज होने वाला है। अब इसमें आपको कनेक्टिंग टेल लाइट का ऑप्शन भी दिख सकता है, इसके साथ साथ सीक्वेंशियल इंडिकेटर भी इस कार में अब आपको दिए जाएंगे। तो जिन लोगों को रियर प्रोफाइल से इशू था नेक्सॉन के, वो इशू कंपनी ने रिजॉल्व कर दिया है एंड नेक्सॉन का रियर प्रोफाइल अब टोटली चेंज हो गया है। तो अगर आपकी नेक्सॉन के रियर प्रोफाइल से कंप्लेंट थी तो कंपनी ने आपकी ये कंप्लेंट भी दूर कर दी है। बात की जाए नेक्स्ट चेंज की तो अब इस कार में आपको टच एसी कंट्रोल भी देखने को मिलेंगे। जितने भी स्पाइड में इसके उसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि जो एसी यूनिट्स लगी गई हैं वहाँ पे टच इनेबल्ड कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ अब इस कार में आपको 2-spoke स्टेयरिंग व्हील्स का डिजाइन भी देखने को मिलेगा। अगर आपने ऑटो एक्सपो की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि टाटा ने अपनी कर्व में भी 2-spoke स्टेयरिंग व्हील शोकेस किया था एंड यही स्टेयरिंग व्हील का डिजाइन अब आपको नेक्सॉन में भी मिलने वाला है। तो इसका स्टेयरिंग व्हील भी टोटली चेंज कर दिया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी इस कार में एड ऑन किए गए हैं, जैसे कि अब इस कार में आपको 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने को मिलेगा जो कि अभी करंटली आपको सफारी एंड हैरियर में भी देखने को मिलता है, साथ साथ नेक्सॉन ईवी डार्क एडिशन में भी देखने को मिला है। इसके अलावा इस कार में अब आपको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा फेसलिफ्ट वर्जन में आपको टोटली न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा जो कि पूरा डिजिटल फॉर्म में होगा। ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ कुछ आपको सफारी एंड हैरियर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसा लगेगा। इसके अलावा वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस कार में सनरूफ का ऑप्शन भी चेंज किया जाएगा। अब इस कार में थोड़ी बड़ी सनरूफ आपको ऑफर की जाएगी। वी आर वेटिंग कि टाटा इस कार में कितनी बड़ी सनरूफ ऑफर कर रहा है, बट ये डेफिनेटली श्योर है कि पहले के मुकाबले इस कार में थोड़ी बड़ी सनरूफ आपको ऑफर की जाएगी।
तो इस फीचर के हिसाब से अब नेक्सॉन पहले से ज्यादा फीचर लोडेड हो गई है, बट ये हो सकता है कि इसमें मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको इसके टॉप पेरिंग पे मिले, बट फीचर्स सारे इस कार में आने वाले हैं। तो गाइस जब फाइनली बात करें इस कार के प्राइसिंग की, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस कार के प्राइस पहले के नेक्सॉन के प्राइस से थोड़े ज्यादा होंगे, बिकॉज इस कार में काफी सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, तो डेफिनेटली इसके प्राइजेस में भी इसका फर्क पड़ेगा। एंड इसके प्राइजेस जो अभी करंट नेक्सॉन आ रही है उससे 1 or 1.5 lakh ज़्यादा से स्टार्ट होंगे। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके जो प्राइजेस स्टार्ट होंगे वो समवेयर अराउंड 10 lakh to 16 lakh के बीच में जाएंगे। सो अब देखते हैं कि फाइनल प्राइजेस क्या आते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड डेट की बात करूँ कि ये कार कब लॉन्च हो सकती है, तो नियर अबाउट दिवाली इस कार के लॉन्च होने की उम्मीद है। सो अगर आप भी इस सेगमेंट में कोई कार देख रहे हो तो गाइस प्लीज वेट फॉर दिस कार, बिकॉज ये कार इस सेगमेंट में काफी ज्यादा चेंजेस लेके आने वाली है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं।